नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में लॉकडाउन की जो तरफा हो रही है मांग, अब ओबीसी आरक्षण मंच ने सीएम से की अपील। झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच ने कोरोना के रफ्तार संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन लगाने की मांग की। मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा कि संक्रमण का दूसरा वेव बेहद ही खतरनाक रूप ले चुका है। कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु में लगातार वृद्धि हो रही है। लोग संक्रमित मरीज का इलाज कराने के लिए तड़प रहे हैं, जान बचाने के लिए दर दर अस्पताल में भटकते हुए जीवन गंवा दे रहे हैं। सरकारी रिम्स व सदर अस्पताल में घोर लापरवाही और कुव्यवस्था के कारण लोग छटपटा रहे हैं। राज्य सरकार चाहकर भी इलाज का समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रही है, जो कि बेहद ही चिंता का विषय है, जिस कारण लोग मानसिक रूप से भी काफी डरे हुए हैं। इससे पहले राजद ने भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लॉकडाउन लगाने की मांग की है। सर्वदलीय बैठक होने के बाद आखिरकार में झारखंड में लॉकडाउन लग ही गया। आज हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिए। झारखंड में लॉकडाउन 22 से 29 अप्रैल तक जरूरी सामानों की दुकानों को छोड़ सारी दुकानें बंद रहेगी। एक जगह 5 लोग नहीं हो सकेंगे जमा। श्रद्धालुओं का धार्मिक स्थल पर जाने पर होगा प्रतिबंध। झारखंड में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है। इस दौरान जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेगी। किसी भी जगह 5 या उससे अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थल तो खुले रहेंगे, लेकिन वहां लोगों के जाने पर प्रतिबंध रहेगा। हाई लेवल मीटिंग के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। इससे पहले उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग से राज्य की स्थितियों पर रिपोर्ट तलब की थी। इसकी समीक्षा के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए इससे चैन को तोड़ना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है। हमारी शुरू से प्राथमिकता रही कि जीवन और जीविका दोनों को बचाया जाए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना संक्रमण को जन भागीदारी से ही रोका जा सकेगा। सभी से अनुरोध है कि अति आवश्यक कार्य छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकले। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने स्कूलों में शिक्षकों के 50% उपस्थिति के साथ रोस्टर किए जाने के आदेश का विरोध किया है। संघ का कहना है कि इसमें मुख्य सचिव के आदेश की अनदेखी की गई है। संघ के अध्यक्ष विजेंद्र चौबे, महासचिव राममूर्ति ठाकुर और मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि मुख्य सचिव ने राज्य के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया है, लेकिन विभाग ने इसकी जगह रोस्टर लागू कर दिया। संघ ने सवाल उठाया है कि जब स्कूल में बच्चे ही नहीं होंगे तो शिक्षक वहां क्या करेंगे। आप सबों को बता देना चाहता हूं कि स्कूलों में रोस्टर व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत प्रत्येक दिन शिक्षकों व अन्य कर्मियों की 50% ही उपस्थिति रहेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के जिला एवं प्रखंड के सभी कार्यालयों में इसी व्यवस्था के तहत प्रतिदिन 50% उपस्थिति रहेगी, जिसका शिक्षकों ने जोरदार विरोध किया है। मौसम विज्ञान के आधार पर रामनवमी के दिन रांची में छाए रहेंगे बादल। आंधी के साथ हल्की बारिश के भी आसार हैं। आज मौसम सुबह से ही साफ रहा। रामनवमी के दिन रांची में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से 21 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके मुताबिक बुधवार को राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के भी आसार हैं। ये स्थिति 22 अप्रैल तक रहने की संभावना है। 23 अप्रैल से आसमान फिर से साफ हो जाएगा। वहीं मंगलवार यानी कि आज रांची सहित आसपास के कई इलाकों में आसमान साफ रहा। पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार को इसमें कुछ खास बदलाव के आसार नहीं दिखा। हवा में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 50% और न्यूनतम 26% रही। झारखंड भर की बात करें तो एक तरफा जहां राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तेज धूप रही, तो राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी हुई। सबसे अधिक वर्षा खुट्टी के अर्की में हुई। यहां 1.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।